हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट पे मुझे ये टॉपिक लेके आना पड़ा। उससे बहुत से लोग कह रहे थे, सुगम आपकी स्किन काफ़ी शाइन करती है और प्लीज़ हमें भी कुछ ऐसा बताएं, आप चाहे फेस पैक बताएं या आप कुछ भी ऐसा बताएं जो आप यूज़ करती हो, प्लीज़ हमें बताएं। तो आज मैं इसी का एक जो है आप लोगों के लिए पूरा एक वीडियो लेके आई हूँ कि पर्सनली मैं क्या यूज़ करती हूँ जिससे कि मेरी स्किन शाइन करती है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें भी हैं जिन्हें मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो छोटी सी बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, एक ग्लोइंग और चमकती हुई स्किन पाने के लिए आपको दो तीन स्टेप हमेशा ही फॉलो करने हैं। वो आप चाहे किसी भी एज में हो, आप टीन एज में हो, आप बच्चे हो, आप 30 क्रॉस कर चुके हो, आप 40 क्रॉस कर चुके हो, आप 50 क्रॉस कर चुके हो, दो तीन बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऑल टाइम जो है वो यूज़ करनी है। और जब आप 30-40 क्रॉस करते हो, इवन जब आप 30 क्रॉस करते हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि आप अपनी स्किन पे उतना ध्यान नहीं देते हो या फिर जो देते भी हैं तो कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं जिसकी वजह से स्किन डैमेज होने लगती है। जैसे बहुत ही रिसेंटली, नहीं चार पाँच साल हो गए हैं, लोग मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन एंटी एजिंग क्रीम आ गई थी और मार्केट में, और उनका कहना था कि जैसे ही आप 30 क्रॉस ना करो आप इस एंटी एजिंग क्रीम को लगाना स्टार्ट। मार्केट में बड़ा चलन था एंटी एजिंग क्रीम्स का 30 के बाद। 30 क्या, लोग ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए 19 और 30 जैसे ही क्रॉस किया या 30 में है वो लगाना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जिन जिन लोगों ने उस क्रीम को लगाया है, सच बताइएगा कि आपको क्या उस स्किन क्या उस क्रीम ने आपको फ़ायदा किया, या आप जब आपकी स्किन आने वाली थी, जिस भी टाइम पर आपको रिंकल्स आने वाले थे, आपको झाइयाँ होने वाली थी, उस स्किन ने, उस क्रीम ने आपको वो चीज़ जल्दी दे दी। यानी अगर वो चीज़ आपको 40 में आने वाली थी तो उस क्रीम ने आपको 30 और 32 में ही दे दी, बिकॉज ऑफ क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा केमिकल उन्होंने यूज़ किया है एंटी एजिंग बनाने के लिए कि जब आप उसे यूज़ करोगे तो इंस्टेंट रिजल्ट तो वो दिखाएगा 1 वीक में, लेकिन उसके बाद आपको उस रिजल्ट नहीं देने वाला है, वो आपकी स्किन को और डैमेज करता जाएगा। तो मैं हमेशा कुछ चीज़ें फॉलो करती हूँ और बिल्कुल भी केमिकल से दूर रहती हूँ, क्योंकि जो लोग भी मेरे जानने वाले हैं वो सब जानते हैं कि मेरी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है और एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन की केयर करना बहुत ही प्रॉब्लम वाला होता है। इवन मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो लोग भी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, वो कुछ भी करके केमिकल अपनी स्किन पे यूज़ ना करें। इसीलिए मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए एक सनटैन का फेस पैक बताया था, यानी कि पैक बताया था जो आप अपनी बॉडी में, फेस पे, लेग पे, हैंड पे, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो पूरी तरह होममेड था, नेचुरल था। तो मैं हमेशा ही कुछ ऐसी चीज़ें लाती रहती हूँ और अपनी स्किन पे हमेशा ऐसी चीज़ें बचपन से लेके आज तक, इवन मेरी जो मम्मी हैं उन्होंने भी मुझे यही बताया है कि नेचुरल चीज़ें अपनी स्किन पे लगाओ, तो आज तक मेरी स्किन पे जो है वो इतना ग्लो करती है और मैं कुछ भी बाहरी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। इवन आपको पता होगा कि जो लोग भी मुझे पहले से फॉलो करते हैं कि मैं ठंड में भी कोई भी मार्केट की क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ। मैं गुलाब जल, ग्लिसरीन, लेमन, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर बना के अपनी स्किन पे लगाती हूँ जो 100% नेचुरल है। और साथ ही साथ मैं गर्मियों में क्या ऐसी चीज़ यूज़ करती हूँ जो कि नेचुरल है, नेचुरल प्रोडक्ट है और जो पूरी तरह से सर्टिफाइड है, जो मतलब सर्टिफाइड है, कंप्लेन करते हैं, पूरा पूरी तरह से वादा देते हैं आपको कि 100% नेचुरल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको 3 लीटर पानी पीना ही पीना है अगर आपको एक ग्लोइंग स्किन चाहिए, अगर आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए। यहाँ पे मैं सिर्फ स्किन की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपकी स्किन तो ग्लो करेगी ही करेगी, साथ में आप बहुत ज़्यादा फिट रहोगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, आपको उतनी ज़्यादा नींद नहीं आएगी, आप बहुत सारे काम एक साथ मैनेज कर पाओगे, यानी कि आप जो है मल्टीटास्किंग हो जाओगे, आप बहुत सारे काम एक साथ कर पाओगे। तो मैं जो 2-3 चीज़ें यूज़ करती हूँ, मैं 3 लीटर पानी पीती हूँ और सबको पता है कि मैं हल्का सा लूकवॉर्म पीती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, मैं हल्का सा गुनगुना पानी पीती हूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने का मन हुआ तो मैं नॉर्मल पानी जो होता है मैं वो पीती हूँ। मैं ठंडा पानी बहुत अवॉइड करती हूँ, जब बहुत मन हुआ वीक में 1 या 2 दिन तो पी लिया, वरना मैं हमेशा लूकवॉर्म वाटर पीती हूँ। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़, आपको
होममेड प्रोडक्ट या फिर नेचुरल, जो कंपनी पूरी तरह से दावा करती है कि नेचुरल प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं, आप वो यूज करिएगा। उस प्रोडक्ट के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैं पर्सनली कौन सी ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ जो 100% नेचुरल का दावा करते हैं और 100% नेचुरल है भी, और मैं उन्हें काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। तो सेकेंड चीज आपको ये चीज ध्यान रखना है। थर्ड चीज, आप कोई भी केमिकल वाली क्रीम्स जो तो हो सके तो आप जो है वो केमिकल वाली क्रीम ना लगाएं। चौथी चीज जो मैं हमेशा से करती आई हूँ और उसके लिए मुझे हमेशा बोलते हैं सब लोग कि ये क्या है, मैं हमेशा करती हूँ कि मैं चाहे यहाँ से आधा किलोमीटर अपने घर से बाहर निकलूँ, मैं घर आके अपने फेस को वॉश जरूर करती हूँ। ये मेरा अभी से नहीं, जब मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में थी, ये तब से मेरी हैबिट है और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी हैबिट में इसे बना लें। कुछ लोग तो इवन ये करते हैं कि रात में सोने से पहले भी फेस क्लीन करके और क्रीम नहीं लगाते हैं। तो अगर इतना ना कर पाओ तो इतना तो आपको करना ही चाहिए कि आप जब भी रात में सो तो फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करके कोई बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करो। मैंने नाइट क्रीम्स भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। साथ ही साथ अगर नहीं हो, मतलब हो सके, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को लेके आपको बहुत रहता है कि मेरी स्किन शाइन करे, तो हमेशा जब भी आप बाहर निकलो, दिन में 10 बार निकलो तो 10 बार आके फेस को वॉश करो, माइल्ड फेस वॉश यूज़ करो। तो अब मैं जिस भी प्रोडक्ट की आपकी बात बता रही थी कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ पर्सनली, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी, मैं इसे एज अ नाइट क्रीम यूज करती हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट शेयर किया हुआ था विटामिन सी सीरम का, वो भी काफी इफेक्टिव है, लेकिन एक चीज आप अगर रेगुलर बेसिस पे लगाओगे तो उतना स्किन आपको शायद रिजल्ट ना दे। तो मैं हमेशा 2-3 प्रोडक्ट मेरे ऐसे हैं जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ और टाइम टू टाइम उन्हें चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ नेचर श्योर की पोर मार्क्स ऑयल की, ऑयल बेस है ये मॉइस्चराइजर, काफ़ी इफेक्टिव है, मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और सच में रिजल्ट देता है। और साथ ही साथ इसका एक बेनिफिट ये है कि ये सिर्फ स्किन पे ही आपके काम नहीं करेगा, ये बहुत जगह आपके काम करेगा, इवन आपको अगर स्ट्रेच मार्क है तो काम करेगा, जिनको भी ओपन पोर्स की समस्या है उसको तो ये पूरी तरह से मिटा देगा, यानी 100% रिजल्ट देगा आपको, स्किन को बहुत अच्छे से शाइन करेगा। और नेचर श्योर की मुझे सबसे अच्छी बात ये अच्छी लगती है कि 100% नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट बनवाते हैं, जिसकी वजह से मैं इनके कंपनी के प्रोडक्ट हमेशा यूज़ करती हूँ। पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है, अगर पिंपल्स की वजह से आपको दाग हो गए हैं तो ये ऑयल सबसे अच्छा वर्क करेगा आपकी स्किन पे। साथ ही साथ जो लोग एंटी एजिंग क्रीम की तरफ जाना चाहते हैं या जिनको लग रहा है कि उनकी स्किन ढीली हो रही है, उनकी स्किन से कोलेजन कम हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट को वो लोग इस प्रोडक्ट को फ्री होके यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल है। साथ ही साथ आपकी स्किन में एक कोलेजन की कमी को दूर करेगा, अगर स्किन लटक गई है तो उसे बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। साथ ही साथ आपकी स्किन पे जो भी दाग धब्बे, और मैं ये नहीं बोलती कि ये क्रीम, मैंने ये तभी आपको बोला है ना ऑल इन वन ये क्रीम है, बिकॉज ये कम एज की भी लड़कियाँ यूज़ कर सकती हैं, ये ज़्यादा एज की भी लड़कियाँ मतलब औरतें यूज़ कर सकती हैं। अगर आपने इसे खरीद लिया तो ये मल्टीपर्पज़ है, आपके घर के जेंट्स, बच्चे, लेडीज हर कोई इसे अप्लाई कर सकता है। तो छोटा सा मैं रिव्यू देना चाहूँगी इसका, छोटा सा आपको पूरा क्लोज लुक देना चाहूँगी कि कैसे क्या वर्क करता है, इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स, ये वो प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन का ऑल इन वन सॉल्यूशन होने वाला है, यानी कि इसे कम एज के लोग, ज़्यादा एज के लोग, और इवन आपके अगर अगर आपको पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये बहुत अच्छे से उन्हें सही करेगा, अगर आपको स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम है आफ्टर डिलीवरी तो इसको सही करेगा, मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करेगा स्किन को। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में इलास्टिसिटी कम हो गई है, कोलेजन कम हो गया है, तो ये उसको भी बहुत अच्छे से कम करेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है, और अगर एक बार आपने इतने पैसे खर्च कर दिए हैं तो पूरे परिवार के लोग इसे यूज़ करने वाले हैं, यानी कि अगर एक बार आपने ले लिया तो मान के चलिए पूरी फैमिली इसे लगाने वाली है, और सिर्फ वन ड्रॉप में पूरा मैजिक होता है इसका। और हमेशा मैं नेचर श्योर को इसलिए प्रेफर करती हूँ बिकॉज ये जो है एक तो वेजिटेरियन प्रोडक्ट बनाता है हमेशा मेरे लिए, जो सबसे बेसिक चीज़ है, और साथ ही साथ 100% नेचुरल प्रोडक्ट बनाता है, मतलब कि बोलते नहीं कि बात यही है कि ये जो है वो 100% नेचुरल है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, क्लिनिकली एंड डर्मोलॉजी टेस्टेड है, और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी इस बॉटल्स को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें ऑयल निकला हुआ है, और ट्रैवल पर्पस के लिए भी सबसे अच्छी है, क्योंकि अभी तो मैं यूज़ करती हूँ तो मैंने यहाँ से इवो हटा दिया है, वरना इसमें एक
जो है वो ढक्कन और लगा होता है, और उसके बाद आप इसे बंद कर दीजिए और कहीं भी ट्रैवल में आप ले जा सकते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसके साथ। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि एक गाइड इसके साथ दी होती है, तो अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप इसे इसमें पढ़ भी सकते हैं। और कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इस ऑयल को लेना है और दो, मैंने बोला ना कि दो बूंद जिंदगी की जिसे बोलते हैं, सिर्फ दो बूंद, उसके बाद आप इसे, तो इस तरह से आप रब करते हुए इसे लगाएं पूरी स्किन पे और बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब होगा, बहुत तेजी से अब्सॉर्ब होगा, सबसे अच्छी बात यह है। और इस प्रोडक्ट में कोई जो इसमें इसका ओरिजिनल कंटेंट है और जो इसमें ओरिजिनल चीज़ें हैं, ये उसी की स्मेल है। तो आप सोचिए फ्रेग्रेंस वाला होगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट है, वेजिटेरियन है। रेट की बात मैं करूँ तो पूरी फैमिली यूज़ कर रही है, तो इसमें कोई बात नहीं है। जितने सबके मॉइस्चराइज़र और चीज़ें आती हैं उसमें आपका एक चीज़ आएगा, लेकिन ये ना कि क्वांटिटी बहुत कम लगेगी। तो एक बार आप इसे यूज़ करके देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप परचेज करना चाहें तो। चलिए और चीज़ें मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, तो आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि इसमें खुशबू आने वाली है, तो इसमें बिल्कुल भी खुशबू आपको नहीं आएगी। आपको बस इसे दो बूंद लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अपने अपने फेस को किसी भी फेस वॉश माइल्ड सोप से वॉश करना है, देन इसकी कुछ बूंदें लेनी है और रब करके सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, जिससे क्या होगा, सारे ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से होगा, ऑयल एब्जॉर्ब होना चाहिए। यानी इतनी देर आप मसाज करो, आई थिंक 2 से 3 मिनट में सारा ऑयल आपके एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप इसको अपने प्राइवेट पार्ट छोड़ के स्किन के बॉडी के किसी भी पार्ट में यूज़ कर सकते हो, बस आपको प्राइवेट पार्ट अपना छोड़ना है। उसके बाद आप इसे अपने हैंड में, लेग में, पेट में, जिनको भी आफ्टर डिलीवरी स्ट्रेच मार्क हैं उनके उनको, या फिर जो जिम जाते हैं उनको भी यहाँ पे थाइस पे स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं, तो ये ऑयल काफ़ी अच्छा है, एक बार जरूर ट्राई करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं अपने स्किन पे इसे काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ, बिकॉज मैंने जैसे पहले बोला हुआ है कि ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसमें आई थिंक 80 या 90 जो चीज़ें हैं वो एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, जिसकी वजह से आपको स्किन को एक नई ऑक्सीजन मिलेगी, नई जान मिलेगी। अगर वीडियो जरा सा में इंफॉर्मेटिव लगा हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।